हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। ऑन द 2nd of September को DVSA ने जो है टॉप 10 जो मिस्टेक्स जो लोगों ने की है उसकी लिस्ट जारी की है। तो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि वो मिस्टेक्स क्या हैं। सो जो नंबर 1 जो मिस्टेक है वो है नॉट मेकिंग इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन एट जंक्शंस। तो जंक्शन में आप लोग जब अप्रोच कर रहे होते हैं, जो लोग फेल हुए हैं, तो वो जो है ऑब्जर्वेशन सही नहीं कर पाते। तो मेक श्योर करना है कि आप जब भी आप जंक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, टी जंक्शन हो गया, क्रॉस रोड जंक्शन हो गया, राउंड अबाउट जंक्शन हो गया, ओपन व्यू जंक्शन, क्लोज व्यू जंक्शन, आपने सही ऑब्जर्वेशन करनी है। नंबर 2, नॉट यूजिंग मिरर्स करेक्टली वैन चेंजिंग डायरेक्शन। जब भी आपने चेंज डायरेक्शन करनी है, आपने अपने मिरर्स सही चेक करने हैं, इसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं। नंबर 3, नॉट मूविंग ऑफ सेफली। तो जब आप मूव ऑफ सेफली करते हैं तो बहुत से लोग या तो सिग्नल नहीं लगाते, या वो मिरर चेक नहीं करते, या ब्लाइंड स्पॉट चेक नहीं करते, ये भी एक रीज़न है फेल होने की। नंबर 4, इनकरेक्ट पोजिशनिंग व्हेन टर्निंग राइट एट जंक्शन। जब आप लोग राइट टर्न कर रहे होते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कट द कॉर्नर करते हैं, या जब राइट टर्न करते हैं तो वो असेस नहीं कर पाते कि रोड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 5, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ट्रैफिक लाइट्स। तो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, अगर वो बहुत जैसे ग्रीन है तो आप लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, या बहुत जैसे रेड है, तो मेक श्योर करना है कि हमेशा आपने ट्रैफिक लाइट्स को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है कि वो कितने जैसे ग्रीन है, कितने जैसे रेड है, ठीक है। नंबर 6, नॉट हैविंग प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग, कि आप लोगों का जो है स्टीयरिंग कंट्रोल सही नहीं होता है, ये नंबर 6 है। नंबर 7, नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली एट ट्रैफिक साइंस। तो अब यहाँ पे जो नंबर 7 है, ये है ट्रैफिक साइन। साइन मतलब ये है कि जो बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं उसको आप लोग सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये नंबर 7 रीज़न है कि लोग फेल होते हैं। नंबर 8 है नॉट रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू रोड मार्किंग्स। तो नंबर 8 में जो रोड मार्किंग्स होती हैं, जैसे एरो पेंट हुए हुए होते हैं या कीप क्लियर का होता है, ठीक है, तो वो आप लोग सही तरीके से उसको भी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते। नंबर 9 है पुअर पोजिशनिंग ऑन द रोड ड्यूरिंग नॉर्मल ड्राइविंग। तो हम जब नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लोगों की पोजिशनिंग या तो बहुत राइट पे होती है या बहुत लेफ्ट पे होती है, तो वो पोजिशनिंग सही नहीं होती। और फाइनली जो नंबर 10 है, नॉट ड्राइविंग एट अ सेफ एंड रीजनेबल स्पीड। तो जो रीजनेबल स्पीड होती है उसके हिसाब से लोग नहीं कर पा रहे होते, अगर 30 है तो 34, 33 कर लेते हैं, या उससे ज़्यादा कर लेते हैं, या बहुत कम कर लेते हैं, तो हमने हमेशा अपनी स्पीड रीजनेबल करनी होती है। कि आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस आपके लिए अपडेट करते रहूँ। थैंक यू।